हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। मैं अगर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जो भी दोस्त ट्रिपल एमयूटी मतलब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में बीटेक, बीबीए, बी फार्मा, ठीक है, किसी भी कोर्स में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज आप सभी का थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो आ चुका है। और अब आप सभी के मन में ये होगा कि सर हमारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो कब होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे लगेंगे और कौन कौन से ओरिजिनल लगेंगे, कौन कौन से फ़ोटो कॉपी लगेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप सभी के मन में जितने भी डाउट हों वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। इसी वीडियो में हम आप सभी से ये भी बात करेंगे कि आप सभी के कितने फीस जमा होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट वीडियो की जो लिंक्स है वो इम्पोर्टेंट PDFs, इम्पोर्टेंट गाइडेंस, सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहला मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, आवश्यक सूचना, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए पूरी वीडियो को पढ़ते हैं, पूरी वीडियो को ना पढ़ के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म, जो ये PDF है, ये किन किन लोगों के लिए है। BBA बी फार्मा प्रथम वर्ष और BTech बी फार्मा द्वितीय वर्ष, मतलब लेटरल एंट्री वालों के लिए BTech और बी फार्मा लेटरल एंट्री वालों के लिए, और BBA बी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये PDF है, मतलब कि ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग के सूचना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट, आप सभी का फिजिकल रिपोर्टिंग कब है, ठीक है। डेट एंड वेन्यू फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। BBA फर्स्ट ईयर 6 सितंबर से आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। बी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड बी फार्मा सेकेंड ईयर, ठीक है, 6 सितंबर, एंड BTech लेटर एंट्री 6 सितंबर, मतलब 6 सितंबर से आप सभी को फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना है, ठीक है। वेन्यू आपको कहाँ जाना है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। अगर आप BTech के हैं तो BTech की जो बिल्डिंग होगी उसमें जाएंगे, बी फार्मा वाले तो बी फार्मा वाली बिल्डिंग में जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग बिल्डिंग्स बनी होती हैं हर एक यूनिवर्सिटी में। तो गोरखपुर की जो यूनिवर्सिटी है ट्रिपल एमयूटी, उसमें भी सेम इसी तरीके से तो BTech वाली बिल्डिंग में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि BBA बी फार्मा फर्स्ट ईयर, बी फार्मा द्वितीय वर्ष, BTech द्वितीय वर्ष के छात्रों को निम्नानुसार अवशेष फीस, जो रिमेनिंग फीस है, रिमेनिंग फीस का मतलब आपसे को मान लेते हैं सीट मिल गई, ठीक है, आपने सीट को लॉक किया, लॉक करते टाइम जब फ्रीज करते टाइम आपने 40,000 डिपॉजिट किया होगा, उस डिपॉजिट के बाद जो रिमेनिंग फीस है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। दिनांक 5/9/2024 तक जमा करना अनिवार्य है, मतलब कि 5 तारीख तक आप फी के डिपॉजिट कर देंगे जो भी आप सभी के पास रिमेनिंग फीस होगी, ठीक है, वरना जो प्रवेश है वो आप सभी को नहीं होगा। अब बात करते हैं कितनी फीस आप सभी को लगेगी, ठीक। तो हम पर्टिकुलर BTech सेकेंड ईयर लेटर एंट्री वालों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर हम देखेंगे तो लिखा गया दो चीज़ें, अब BTech सेकेंड ईयर लेटर एंट्री फॉर हॉस्टलर, जो हॉस्टल लेना चाहते हैं उनके लिए 1,64,000 टोटल फीस लगेगी, जिसमें 1,35,000 जो है वो एकेडमिक फीस है और 29,000 हॉस्टल फीस है, ठीक है। 40,000 आपने लॉक करते टाइम डिपॉजिट किया होगा, एक्स्ट्रा आप सभी को 1,24,000 जमा करना होगा, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं जो हॉस्टल नहीं लेना चाहते उनके लिए टोटल फीस कितनी है, 1,37,000, ठीक है, 1,37,000, जिसमें 40,000 आपने फीस डिपॉजिट किया होगा और 97,500 आप सभी को और डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। और आप सभी फीस को कैसे जमा करेंगे, जमा कैसे कर सकते हैं, कि मतलब कि आपको फीस कैसे जमा करना, ऑनलाइन जमा करना या फिर DD बना के जमा करना, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग फी डिपॉजिट लिंक आप सभी को
थ्रू काउंसलिंग पोर्टल त्रिपरिमिट्री डॉट एडमिशन डॉट एन आई सी डॉट इन पर आप सभी को ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जो रिमेनिंग फीस है आप उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अगर आपके अकाउंट में है तो आप वहीं से आप कटवा सकते हैं, या फिर किसी और से भी कह के आप कटवा सकते हैं, किसी साइबर कैफे पर जाके आप सभी पेमेंट कर सकते हैं। तो 5 तारीख तक ध्यान से आप लोग पेमेंट जरूर कर लीजिएगा अगर आप सभी को सीट चाहिए तो। ठीक है, अगर आप सभी को सीट मिल चुकी है, अब बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग जब कराने आप चाहेंगे 6 तारीख को, तो आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, छात्रों को फिजिकल रिपोर्टिंग कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त अभिलेख, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मूल रूप से उक्त का दो सेट फोटोकॉपी, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबके दो दो फोटोकॉपी आप सभी के पास होनी चाहिए। अवशेष फीस जमा की रसीद, जितना आपने रिमेनिंग फीस मान लेते हैं ऑनलाइन जमा कर दिया 5 तारीख तक, उसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड करेंगे, उसको लेके जाना है, 4 फोटो अपनी, ठीक है, सत्यापन है तो लेके आना है। ठीक है, साथ ही इनरोलमेंट है तो टीसी आप लेके जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर, 12th और डिप्लोमा के उपरांत गैप होने का गैप एफिडेविट, आपसे को गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, जिन छात्रों के पास टीसी नहीं होगा उनके द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा। अंडरटेकिंग आप सभी डाउनलोड करेंगे त्रिपल यूनिटी की साइट से, वहाँ से आप अंडरटेकिंग जमा करेंगे। ठीक है, होगा कि उनके द्वारा 30 तारीख तक आप अपने टीसी जमा कर देंगे, ये इसमें बताया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो है ये लिखा गया किसके लिए, जो भी दोस्त हॉस्टल लेना चाहते हैं उसके लिए ये लिखा गया, तो ये हम नहीं बात करते, हम बात करते हैं मेन जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं, बात करते हैं फर्स्ट नंबर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आप सभी को सीट अलॉट हुआ है, आपने फी पेमेंट किया होगा 40,000 रुपये, तो आप सभी के पास फीस अलॉटमेंट लेटर आया होगा, उसको आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसको लेके जाना। फिर 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कि जात प्रमाण पत्र, OBC सर्टिफिकेट, वही मतलब कि OBC 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, EWS भी था वही, SC ST। ठीक है, बात करते हैं सब कैटेगरी, जरूरी नहीं होता, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं या फिर आर्म फोर्स के वाले होते हैं, इन सब के लिए हैंडीकैप वालों के लिए ये जरूरी होता है। बाकी बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा नेक्स्ट, और 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज, फिर ऊपर 4 लिखा नीचे 6 लिखा है, तो आप सभी कम से कम 8 से 10 फोटो आप अपनी लेके जाएंगे। JEE या फिर CUET स्कोर कार्ड, बीटेक लेटर एंट्री वाले हैं तो CUET स्कोर कार्ड लगेगा, अगर फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आप सभी को JEE स्कोर कार्ड लगेगा। ठीक है, पेरेंट्स का डोमिसाइल, फिर पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी रिमेनिंग फी रिसिप्ट और एडमिशन कंफर्मेशन फीस 40,000, जो आपने 40,000 किया उसका, उसके बाद फिर आप अब जो जमा करेंगे रिमेनिंग फीस, दोनों की रसीद आप सभी के पास होनी चाहिए, आप साथ ही में लेके जाएंगे। और ये देखिए, ये आप सभी के पास ये जो पेज है, पेज नंबर 3rd, इस PDF का पेज नंबर 3rd, ये ठीक है, ये जो पूरी PDF है जिसमें ये लिखा गया है, इसको क्या करेंगे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके ये PDF आप प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके आप इसको ले जाएंगे, यहाँ पे अपना नाम और सारे डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, जो आप सभी के पास है उसको टिक करेंगे, जो नहीं है उसको या तो टिक करेंगे या फिर यस लिख देंगे, और जो नहीं उसको नो लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप सभी के पास लेके चले जाएंगे, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे या फिर जो वेरीफाई करेंगे वो सिग्नेचर कर देगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें आप सभी के पास हो गई, आपकी आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ गई इसके बारे में। तो अगर फिर भी कोई डाउट आप सभी के मन में रह जाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ये डेट आप याद रखिएगा, 6 तारीख, और एक डेट ये कौन सी, ये 5 तारीख की, 5 तारीख तक आप सभी को फीस जमा कर देना है। ठीक है, हर हाल में फीस आप सभी को जमा कर देना है, जो भी रिमेनिंग फीस है 40,000 को माइनस करके, हमने आपको ये बताया कि कितनी फीस है। ठीक, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितनी फीस है, ये रिमेनिंग फीस इतने लिखा गया, ये 40,000 काटने के बाद ये रिमेनिंग फीस यहाँ पे लिखा गया, जितना आप सभी को जमा करना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और आपसे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक यू।